गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की क्लास में आज हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दोबारा दे देता हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। के मैंने आपको दो मतलब समझाए थे। समाकलन से किसी का क्षेत्रफल निकलता है और मतलब इसका जो है बेसिक मीनिंग जो था वो था सतत योग। और हम किसी फंक्शन का जब समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेशन उसका करते हैं, तो हमें जो चीज मिलती है वो क्षेत्रफल मिलता है और अवकलन से अपने को मिलता है ढाल। यहाँ तक की बात अपन ने की थी, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अपन इसके कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो इसका एक दो क्वेश्चन जो अपने काम आता है बेसिक बेसिक, वो अपन यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद जो है वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। इंटीग्रेशन आई आपको दे रखा है एक्स क्यूब 3x फ्रॉम 0 to 3। ये 3 है भैया, 0 to 3 आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा, पहले मैं साइड में लिख देता हूँ। इसके लिए सूत्र लगेगा x की पावर n dx वाला। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सतत योग हो रहा है और ये जो समाकलन है वो निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसकी लिमिट लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपन सॉल्यूशन लाते हैं इसका। हमने ये सूत्र लगाया, इस सूत्र के हिसाब से ये इंटीग्रेशन बन जाएगा x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन में। और तो कुछ है ही नहीं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक। आगे इसको सॉल्व करें तो देखो क्या बनेगा, ये x की पावर 4/4। चलिए इसकी लिमिट को जो है ना अपन, खैर चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। ये हो गया, लिमिट है इसकी 0 से 3 तक, है ना। तो अब देखो भैया हमें क्या करना होता है। अब आपको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मतलब बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे वाई डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन आपने किया और आपके पास एफ एक्स आया, लिमिट लगाई आपने ए से बी। तो पहले आपको x की जगह b पुट करना है, माइनस लगाकर a पुट करना है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका था। तो यही सोल्व करते हैं अपन। अपर लिमिट कितनी अपनी 3, लोअर लिमिट कितनी अपनी 0। तो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करो। तो x की जगह अपर लिमिट पुट किया तो 3 की पावर 4/4, और माइनस x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 की पावर 4/4 है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा दूसरा टर्म तो, और अपने पास इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो 3 की पावर 4/4। तो 3 की पावर 4 मेरे हिसाब से ये 81 हो जाएगी ना, 81/4। इसका आंसर जो है वो 81 आएगा, 81/4 आएगा। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए कुछ इसका एक आधा अपन और एग्जांपल ले लेते हैं जो इंटीग्रेशन का अपने यूज होना है। हम उठाते हैं क्वेश्चन यहाँ से इंटीग्रेशन। अच्छा ये आई में क्या लिख रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत होना। आई क्या है यहाँ पे, सिंबल है इंटीग्रेशन का ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर वो चीज लिखी जाती है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो आपको इंटीग्रेशन वाला फंक्शन भी x का ही चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इंटीग्रेशन का फंक्शन, थीटा का ही आपको इंटीग्रेशन में फंक्शन चाहिए होता है। तो देखो ये साइन थीटा का फंक्शन है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा का।
और लिमिट भी आपको थीटा की लगानी है, तो इसकी लिमिट अपन लगा देते हैं 0 से π/2। कोण की लिमिट है, वहां x की लिमिट लगेगी, यहाँ कोण की लगेगी, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हो रहा है इंटीग्रेशन, है ना। तो चलिए सूत्र क्या आएगा, सूत्र अपने को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक वैल्यूज पुट करते जाओ। पहले चलो माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस 37 छोड़ देते हैं। माइनस का पहले अपर लिमिट लगाई, कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट लिखी, तो कितनी आ जाएगी ये π/2। फिर हमने माइनस लगाया और इसके साथ एक माइनस अलग से है, तो माइनस का कॉस 0। बात समझ में आ रही है ना, दो माइनस कैसे है भाई, एक तो अपने को सूत्र में लगाना होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक इसके साथ है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब देखो कॉस 90, पहले कॉस π/2 है ना, सबसे पहले ये देखो कॉस π/2 है, कॉस π/2 की वैल्यू तो होती है 0, तो ये तो आ जाएगा 0, है ना। माइनस माइनस ये कितना है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये सारी कहानी, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, और इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 1। इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 1। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ रही। अच्छा, आपको ये वो रहता है कि गुणा भाग वाले जो अपन ने अवकलन में सीखे थे वो यहाँ भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द लेवल है, वो अपने काम के नहीं है। मैथ्स के बच्चे उसको पढ़ेंगे, आईलेट फॉर्मूला वगैरह से इसको सोल्व करते हैं, लेकिन अपने इतना काम का नहीं है। फिर भी बाई चांस यदि कहीं कोई पर्टिकुलर जगह काम आएगा, तो जहाँ काम आएगा उसी समय आपको इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। चलिए बच्चों, ये कुछ हमने एक एग्जांपल अपन इसमें और ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x² फ्रॉम 0 to 2 dx। इसमें खास चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में वो ये है कि फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट भी आ रहा है, जो कि ये 5, तो कांस्टेंट तो फंक्शन के साथ होगा, वो समाकलन के भी बाहर आ जाएगा, अवकलन के भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा देखो 5 तो पहले इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, बचा हुआ पार्ट आपके पास बचेगा x² dx फ्रॉम 0 to 2। अब इसको आप फॉर्मूला लगाओ x^n का, तो क्या बनाइए, x^n+1/(n+1) बना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो पहले इस अंदर वाले को सोल्व कर लो सारे को। कितना बनाइए, x^3/3 फ्रॉम 0 to 2। करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 अपनी जगह है, अपर लिमिट पुट किया 2^3/3 माइनस का 0, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट वाला पर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आया 2^3/8, तो ये बन जाएगा 5×8/3, ये कहानी हो गई 40/3। दिस इज द आंसर ऑफ आवर इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन लिखा है उसका आंसर आएगा 40/3, कॉन्स्टेंट वाला पद उसके बाहर। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो सीधा इस तरह से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको चौथे क्वेश्चन के रूप में समझा देता हूँ, आपको सीधा ही कर दे कि इंटीग्रेशन 5 dx 0 से 2। तो ध्यान से देखो भैया, 5 तो बाहर आना ही है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा, तो i = 5, इसका इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, i = 5, पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो कितना बनेगा ये, इसका आंसर आएगा 10। बात समझ में आ रही है, तो ये चौथा क्वेश्चन अपने पास हो गया। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके फॉर्मूले, इनको यूज करने का तरीका, इनको इनकी लिमिट पुट करने का तरीका, ये सब जो है वो आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ
मैथमेटिक्स के इन बेसिक टूल के बिना आप फिजिक्स में जगह जगह अटक जाओगे, इसलिए भैया बड़े ध्यान से इन सबको आप पढ़िए, ताकि आगे जब अपन फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हो तो बार बार अपने को ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ की दिक्कत ना आए। मैं आपको बताऊँ पहले चैप्टर से काम आने लग जाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ तक की अपनी कहानी हो गई और अब हम दूसरी जो पार्ट पढ़ेंगे, दूसरी कहानी पढ़ेंगे, वो है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, है ना। देखो बड़े टॉपिक अपन ने कौन कौन से किए हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, उसके बाद अपने ग्राफ पढ़े थे, फिर हमने अवकलन पढ़ा था, फिर हमने समाकलन पढ़ा। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लॉग हैं, मैक्सिमा मिनिमा है, बाइनोमियल थ्योरम है, डिटरमिनेंट का कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा, मतलब आगे पढ़ेंगे अब डिटरमिनेंट सारणी होती है, इन सब का छोटा 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 पार्ट अपने काम आएगा। तो इन सब पार्ट को अपन जो है वो थोड़ा थोड़ा आज सीखते जाएंगे। फिर भी यदि कुछ अपने से छुपता है तो अपन उस जगह पढ़ेंगे जहाँ ये काम आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। जो अपनी हेडिंग है वो है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। देखो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन क्या है? आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फलन दे रखा है जिसका नाम है y और ये x का फलन है। y बराबर fx, मतलब फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, y से किसका फंक्शन है, x का है। जैसे ये कुछ ऐसा है y बराबर x स्क्वायर प्लस x, है ना। तो ये क्या हो गया, y है, y फंक्शन है, सॉरी y फंक्शन है और किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए अपने कोई रेंडम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो इसके ग्राफ में अपने को क्या कहानी नजर आती है। इसका ग्राफ यू बना, मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स है, इसका ग्राफ कुछ यू बना, ठीक है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, शेयर मार्केट की तरह। चलो इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि भैया यहां से लेकर और यहां तक के पार्ट में, इस रेंज में, किस रेंज में, मान लो यहां पर x की वैल्यू की एक है और यहां अपन आगे बढ़े, यहां पे हमने निकाला तो x की वैल्यू मान लो 20 आई थी। तो कोई कहे कि x की वैल्यू एक से 20 तक, ये रेंज दे दी ना, इस दौरान हमारा फंक्शन मैक्सिमा कहाँ हुआ है, मिनिमा कहाँ हुआ है। मैक्सिमा यानी सबसे अधिकतम मान उसका क्या था, कहाँ पर हुआ, है ना, और मिनिमम मान क्या था और कहाँ पर हुआ। तो जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे ये पता लगा कि भैया देखो मैक्सिमम मान तो इसका ये है, देखो ये वाला, ये वाला, और मिनिमम मान इसका ये है। तो मैं इसको चेक करके यदि ग्राफ होगा तो बता दूंगा कि मिनिमा तो जो है वो कहाँ गया, ये ग्राफ होगा तो चेक करके बता दूंगा कि मिनिमा तो यहाँ हुआ है। ये मिनिमा का पार्ट है ना और ये मैक्सिमा का पार्ट है। इसकी वैल्यू निकाल के दे दूंगा कि एक्स की वैल्यू ये फलाना डिमका ये जो भी है और ये फलाना डिमका जो भी है, इस वैल्यू पर ये फंक्शन मिनिमा हुआ है और मैक्सिमा हुआ है। इसको कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये निकालना होता है कि मिनिमा मैक्सिमा हुआ कहाँ है और कितना है। समझ में आ रही बात। फंक्शन के अधिकतम मान को कहा जाता है मैक्सिमा और फंक्शन के न्यूनतम मान को कहा जाता है मिनिमा। हमें वास्तव में यही वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
मैं कलर चेंज करता हूँ पहले तो पेन का, और इसमें आपको एक चीज समझाता हूँ। जिस जगह मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है, मैंने आपसे कहा भूल जाओ कैसे ज्ञात कर देंगे किस तरह से, लेकिन जिस जगह मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है उस जगह मैंने आपसे कहा स्पर्श रेखा खींचिए, जैसे हम पीछे वाले में खींचते थे, है ना। तो जैसे मान लो ये ग्राफ था ना, हमने ऐसा कुछ बनाया था, हमने कहा था ये ग्राफ है देखो, इस जगह स्पर्श रेखा ये इस तरह से खींची थी, और ये जो कोण बन रहा था ये इसको अपन ढाल कहते थे, ऐसा ही तो था, इसके टेन को हम ढाल कहते थे। तो मैंने कहा कि यहाँ भी खींचिए मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा ऐसे आएगी और मिनिमा वाले पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। ये दोनों, ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, तीर का निशान मैंने जो है वो दिखाने के लिए बनाया, इस पर लग नहीं रहा। ये वाली स्पर्श रेखा एक और ये वाली स्पर्श रेखा दो, ये समझ में आ रही है आपको। ये स्पर्श रेखा जब मैंने देखी तो ये तो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के पैरेलल आ गई, मतलब समांतर आ गई। एक्स एक्स के समांतर होने का मतलब हो गया कि ये उसके साथ जीरो डिग्री का कोण बना रही है, समांतर होने का मतलब जीरो डिग्री का, भाई किसी एंगल पर झुके होंगे तभी तो कोण बनेगा। यदि ये ऐसे है और दूसरी लाइन भी ऐसे है तो इनके बीच में तो कोई कोण बनता ही नहीं, कितना डिग्री का कोण बनेगा, जीरो। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। ये स्पर्श रेखाएं जो आपने अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियों पर खींची है, ये स्पर्श रेखाएं एक्स एक्स के समांतर है, अर्थात एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, जीरो डिग्री का कोण बना रही है, और जीरो डिग्री का कोण बना रही है। तो फिर मैंने इससे ढाल निकाला, ढाल का हिसाब किताब क्या होता है भाई, ढाल टेन थीटा को कहते हैं। तो मैंने टेन जीरो की वैल्यू रख के इसकी ढाल यानी स्लोप निकालने की कोशिश की तो वो मुझे जीरो मिली, बात खत्म। हमें इस ग्राफ से इतना ही समझना था। अब हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि फंक्शन जहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वहां पर उसकी ढाल यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। समझ में आ रही कहानी? यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। चलिए देखिए मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आया। ग्राफ से समझाया मैंने कि जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट होगा वहाँ जो स्पर्श रेखा वो एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी, अर्थात वहाँ पर ढाल यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। चलिए हम वापस करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, ये चीज याद रखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए चेक डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले आप उस फंक्शन का क्या निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। कहां निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स? वो वैल्यू आपको देगा x is equals to a, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर देगा। जैसे ये हर जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसकी x की वैल्यू रख के चेक करेंगे, यहाँ पर ये x की वैल्यू रख के चेक करेंगे, है ना। तो आपको x की कोई वैल्यू देगा जिसको मैंने a लिख रखा है यहाँ पर। हमने कहा कि चेक dy upon dx, सबसे पहले dy upon dx को चेक करो। dy upon dx को चेक कहाँ करना है, x की वो वैल्यू रख के सारे चेक करो dy upon dx। अच्छा, इस x की वैल्यू रखने की आपको यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन बात ये याद रखना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, आगे जरूरत पड़ेगी। इसकी दो कंडीशन बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो के बराबर ना आता हो तो हम कहेंगे ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा, मतलब जिस जगह की आप बात कर रहे हो वहाँ फंक्शन ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ग्राफ में देखो, कोई मान लो यहाँ का पूछ ले तो यहाँ जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आपके पास जीरो नहीं आएगा, तो आप कहोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये पॉइंट हमने बनाया है इस पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा, बात खत्म, है ना, बीच में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यदि जीरो नहीं आएगा तो वो फंक्शन उस जगह मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा, और यदि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो आ जाता है तब आप फिर से दो कंडीशन चेक करेंगे। आप दोबारा इंटीग्रेशन निकालेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखो एक बार डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन है, फंक्शन का लगातार बैक टू बैक दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दो तो उसको लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात?
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब y का कितनी बार डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन कितनी बार किया गया है, दो बार। बात समझ में आ रही है। डी वाई अपॉन डी एक्स यदि जीरो आया है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यदि ये नेगेटिव है मिलता है तो फंक्शन मिनिमा होगा, सॉरी मैक्सिमा होगा, और यदि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा, मतलब उस जगह मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखनी। बात समझ में आई? क्या करना होता है, सबसे पहले फंक्शन दिया गया अगला अपने को, उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो, यदि जीरो आ रहा है तब हम कहें मैक्सिमा मिनिमा होगा, और जीरो नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब जब जीरो आ गया तो आप उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, दोबारा से अवकलन करो, और वो वैल्यू पुट करो एक्स की, एक्स की वो वैल्यू पुट करो जहाँ ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए, उसकी वैल्यू पुट करके चेक करो कि यदि मैक्सिमा मिनिमा यदि कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे कि भैया जो है ये मिक्स जो फंक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा है, और पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, क्लियर है कहानी? चलो तो ये मैक्सिमा और मिनिमा की ये कहानी है, आप इस कहानी को याद रखना। फॉर एग्जांपल चलिए अपन एक एग्जांपल इसका उठाते हैं, बेसिक सा। आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू चलिए तो कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा, चलो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस दो, हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन है और आपको चेक करना है x की घात सॉरी x बराबर तीन पर या x बराबर माइनस एक पर चेक कर लेते हैं, है ना, x बराबर माइनस एक पर चेक करो, x बराबर माइनस एक पर चेक करो। तो सबसे पहले हमने dy अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx निकाला तो यार देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया तो एक्स और इसका आया जीरो, ठीक है। जब हमने अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखी तो ये आया टू एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, अब आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, या तो ये माइनस आएगा या प्लस आएगा, अपने को तो पहले वाला जीरो चाहिए, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो आपको दे रखा है ये कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, है ना, या ये नेगेटिव वैल्यू की में एक जगह जो है वो जहां से भी शुरू होगा उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो ये बढ़ता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कहीं मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने आप पॉइंट पढ़ाए हैं, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाए हैं। और बच्चों इसके मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। और अब अपना छोटा छोटा, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक जो मैथमेटिक्स में जो अपने को बड़े पार्ट पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं, छोटे पार्टों के लिए अपन बात करें कि हमें थोड़े थोड़े पार्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है वो प्रोसेस करेंगे कि हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद जो है वो हम फिजिक्स के टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें। तो ये फंक्शन आप याद रखना बच्चों, ये जो मैंने लास्ट में बताया था ये वाला y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये फंक्शन जब हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो ये 2x आया। अब आप x की कोई भी वैल्यू रख लो ये जीरो कभी नहीं होगी सिवाय एक जगह, कौन सा वो मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया था इसलिए वापस, सिवाय एक जगह के ये मैक्सिमा मिनिमा कहीं नहीं होगा, कौन सी जगह की,
कौन सी जगह की? ये होगा x इजिकल्स टू जीरो पर, जीरो हो जाएगा, मतलब आपको x इजिकल्स टू जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमम बन रहा है ना। क्या बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। x इजिकल्स टू जीरो पर dy अपॉन dx जीरो हो जाएगा ना। वो मैं x के अलावा बाकी सारी बातों का बता के चला गया था कि आप चाहे प्लस रख लो आप चाहे माइनस रख लो, ये जीरो कभी नहीं होगा, है ना। एक स्पेशल केस है इसका x इजिकल्स टू जीरो, वो समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया था। तो ये भैया x बराबर जीरो पर dy अपॉन dx जीरो होता है, तो आप ये कहेंगे कि भैया x इजिकल टू जीरो पे कुछ हो रहा है, मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। हमने कहा कि x इजिकल टू जीरो पर, ये कहानी चलो थोड़ी सी अपन सही से लिख लेते हैं। x इजिकल टू जीरो पर ये चीज dy अपॉन dx जो है वो आपको जीरो मिली। अब आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है। आपके पास y क्या था, x स्क्वायर प्लस टू था, है ना। तो y डेस शॉर्ट में लिख लेते हैं, देखो dy अपॉन dx, है ना। y डेस का मतलब है एक बार अवकलन किया गया है, एक बार अवकलन करने पर ये वैल्यू कितनी आई, ये आई 2x प्लस 0, मतलब 2x आई है ना, जीरो हटा देते हैं। अब इसका एक बार और अवकलन करें यानी डबल ये निकालें, इसी को लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो ना, d2y / dx स्क्वायर को लिख रहा हूँ, y डबल डेस है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। 2x का किया तो 2 तो बाहर आ जाएगा भैया, और x का आएगा जी, सॉरी x का हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू बन रही है 2। अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, नेगेटिव आई नहीं, नेगेटिव आ रही, इसका मतलब इसका मैक्सिमा नहीं बन रहा, इसका मिनिमा बनेगा। कितना, x इजिकल्स टू जीरो पर ये वैल्यू मिनिमम है, x इजिकल्स टू जीरो पर ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये किसी भी पॉइंट पर जो है वो लगातार ये बढ़ता जाएगा, मैक्सिमा इसका कहीं नहीं मिलेगा, जो वैल्यू लगातार बढ़ रही है ना, जहाँ से शुरू हुआ था ये कुछ ऐसे ग्राफ है इसका, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था इसका जो भी है, तो ये लगातार ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है मैं इसको नहीं, आप ये मत करना कि सर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, मतलब बढ़ रहा है लगातार, इसकी वैल्यू घट नहीं रही है, ये मिनिमा कभी नहीं हो रहा, सॉरी मिनिमा हो रहा है लेकिन मैक्सिमा कभी नहीं हो रहा। मिनिमा किस पे हो रहा है, देखो x इजिकल्स टू जीरो पर ये फंक्शन मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो dy / dx जिस पॉइंट पर जीरो हो जाता है उस पर या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप डबल इंटीग्रेशन करें, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी दो बार अवकलन करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये भैया क्या कहानी इसमें आगे चल रही है। चलिए तो जवानों आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपन मिलेंगे बचे हुए पार्ट के साथ, और शायद अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की वो कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लास हो, और उसके बाद जो है वो अपन शुरू करते हैं फिजिक्स का सिलेबस।